मध्य प्रदेश विधायक रामबाई की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके विधायक पति पर कांग्रेस के नेता की हत्या का आरोप है। अब इस केस ने फिर एक नया मोड़ लिया है, जिसमें रामबाई के पति की जमानत की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपी दमोह के पथरिया से बसपा विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने विधायक पति की मौजूदा जमानत याचिका खारिज करने के साथ साथ पुराने हत्या के मामले में जमानत पर रहने वाले गोविंद सिंह की जमानतें भी रद्द कर दी है। वहीं वकील वरुण ठाकुर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एमपी पुलिस को भी फटकार लगाई है, साथ ही एमपी हाई कोर्ट को निर्देश भी जारी किए हैं और मध्य प्रदेश सरकार को संवैधानिक ड्यूटी याद कराई है। साथ ही यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे देश में अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है और नेताओं के लिए अलग कानून है। कानून सबके लिए समान है और कानून को ध्यान में रखकर ही न्याय होगा।